हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज है नवरात्रि का दूसरा दिन। अभी अभी बस मैं मंदिर से आ रही हूँ, सुबह की गई थी, पैदल गए थे हम, क्योंकि कार्तिक ना कल से बोल रहा था, कल मैं थोड़ा लेट हो गई थी इस वजह से नहीं जा पाई, तो घर में ही लेट हो गई थी। फिर आज से गए तो कार्तिक और मैं गई थी, तो कार्तिक कहता है मम्मी इससे ना वे दो काम जाएंगे मंदिर के, मतलब माता रानी के दर्शन भी हो जाएंगे भगवान जी के, और मेरा वेट जो है ना वो कम हो जाएगा, तो एक्सरसाइज हो जाएगी, तो बस इसलिए गए। और बस अभी आते ही जा रही हूँ, और अभी मैं चाय चढ़ाऊँगी। चाय चढ़ाने के बाद ये बिस्तर वगैरह उठाऊँगी। अभी कुछ भी नहीं किया था क्योंकि मैं ये भी सो रहे थे तो ये भी उठ गए हैं, तो अब चलते हैं फटाफट से काम करते हैं। काम तो मैं रात में ही पूरा करके रखा था, तो चलिए काम करते हैं। आज मैं मंदिर गई थी, तो आज मतलब आज से स्टार्ट किया है, बल्कि कल से सोचा था, पर कल ना काफ़ी लेट हो गया था हम लोगों को ही, क्योंकि पहला ही दिन था, तो घर पे थोड़ा काम भी था, और तो इस वजह से कल नहीं जा पाए। तो आज से हमने स्टार्ट किया है। और कार्तिक तो कल ही बोल रहा था मम्मी चलेंगे, पैर में जबकि तकलीफ है, उसके बाद भी उसे मंदिर जाना है, तो वो बच्चे हैं ना, दोस्त भाई लोग उसके जाते हैं, तो वो बोलता है कि मैं अभी जाऊंगा, धीरे धीरे चलूंगा लेकिन जाऊंगा। तो अभी कार्तिक के साथ मैं भी चले जाती हूँ, मतलब वो अकेले जाने को तो बोलता है, लेकिन फिर मैं सोचती हूँ मैं भी चलती हूँ साथ में तो सही रहेगा। तो फिर कह रहा था मम्मी अच्छा है मंदिर चलना, तो वही मैं आप लोगों से भी बता रही थी, मेरा दो काम हो जाएगा। कार्तिक कहता है भगवान जी के दर्शन भी हो जाएंगे और मेरा जो वेट है ना वो भी काम हो जाएगा। तो अभी बस वहीं से आई थी मंदिर से पूजा वूजा करके आ गए थे, उसके बाद पहले घर में ही कर ली थी, फिर वहाँ गए थे। तो सुबह 7 बजे मैं निकल जाती हूँ, 8 बजे तक घर आ जाते हैं, क्योंकि थोड़ी दूरी पर ही है और सीढ़ियाँ चढ़ने में ना थोड़ा सा टाइम भी लग जाता है, और मंदिर में तो अभी भीड़ भी रहती है क्योंकि अभी नवरात्रि भी चल रहे हैं, तो टाइम लग ही जाता है। और सुबह सिर्फ मैं सारा काम करके जाती हूँ, झाड़ू पोछा, सिर्फ ये बेड वगैरह ये नहीं हो पाता है, पोछा तो मैं लगा कर जाती हूँ अंदर वाले रूम में, झाड़ू पोछा पूजा वाले रूम में, और ये क्योंकि जल्दी जल्दी गए थे तो आज मैंने ये बिस्तर नहीं उठा पाई थी, मच्छरदानी नहीं निकाल पाई थी, तो अभी बस फटाफट से वही कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने चाय चढ़ा दी है आकर, चाय भी मतलब वहीं से आकर फिर पीती हूँ मंदिर से आकर, तो पहले चाय चढ़ा दी, दूध उबलने के लिए भी रख दिया है, और तब तक मैं यहाँ पर ये जो बेड वगैरह जी ठीक कर दूँगी। कल ये शक्कर का डिब्बा धोया था, क्योंकि ये डिब्बा शक्कर है ना ख़त्म हो गई है, ग्रोसरी ख़त्म ही होने वाली है, तो जितने भी डब्बे खाली होते जाते हैं तो मैं साथ के साथ बर्तन के साथ धो लेती हूँ। और अभी देखिए मैंने जब क्लीनिंग की थी तो कितने चमक रहे हैं मेरे डब्बे, बहुत अच्छे लगता है जब मैं अच्छे से साफ वाफ कर लेती हूँ ना, तो एक अलग ही अच्छा लगता है, मतलब साफ सफाई। तो बस वही डब्बा मैंने अच्छे से पोंछ के रख दिया है, और ये पूजा की थाली और लोटा यहीं रख दिया था कार्तिक ने, तो वो मैं अंदर पूजा की अलमारी में रख दूँगी, और यहाँ का भी मैं ठीक ठाक कर दूँगी। चादर ऐसे ही डली हुई है, मेरे हस्बैंड भी उठ गए हैं, वो अभी अभी उठ कर गए हैं, मतलब जब हम लोग आते हैं ना तो वो उठ जाते हैं, अपना जो काम रहता है वो कर लेते हैं, फिर उसके मतलब उनके मैं आ जाती हूँ ना तभी मैं चाय बनाती हूँ, तो हम लोग फिर साथ में चाय पीते हैं। तो अभी कार्तिक को भी मैं बॉर्नविटा दूंगी और हम लोग दोनों जन चाय पियेंगे, और बस यहाँ की भी बेडशीट जो है वो ठीक कर दे रही हूँ। अच्छा, मैंने अभी पिछले वीडियो में आप लोगों से कहा था कि मतलब यही नाम वाम का, तो क्या हुआ अभी कार्तिक थोड़ा सा दिक्कत में है, इस वजह से मैं नहीं कर पाई। वैसे मैंने नवरात्रि से ही कहा था कि नवरात्रि लग जाएंगे तब से स्टार्ट करूंगी। आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा, लास्ट में मैंने आप लोगों से बातें की हैं और शेयर किया है, तो आप लोग पूरा देखिएगा। अभी देखिए यहाँ दूध गर्म हो गया, तो कार्तिक का बॉर्नविटा बना दूँगी, चाय भी चढ़ा दी है,
और कुछ कमेंट्स और थे, जैसे कि मतलब है ना, देखिए मैं ये नहीं कहती हूँ कि मैं अपना दुख परेशानी ये सब बता रही हूँ। तो देखिए ब्लॉग बनाने का मेरा मकसद ये है, जैसे मैं ब्लॉग बनाती हूँ तो मैं अपना हर चीज़ शेयर करती हूँ आप लोगों से, रूटीन, दुख सुख खुशी हर एक चीज़ शेयर करती हूँ। जब खुशी शेयर करती हूँ तो थोड़ा बहुत दुख परेशानी आती ही है। हमेशा हर किसी का समय एक जैसा नहीं होता है कि वो हर वक्त एक जैसा ही हो। तो मेरे साथ जैसा भी होता है, अच्छा या बुरा, जैसा भी सुख दुख, तो मतलब मेरा ये रूटीन है, मतलब मैं ब्लॉग करती हूँ, ब्लॉगिंग बनाती हूँ, मतलब वीडियो बनाती हूँ, तो ये एक मेरा रूटीन है कि मैं आप लोगों से हर एक चीज़ शेयर करती हूँ और अच्छा भी लगता है। पर कुछ लोग कहते हैं जब देखो जब अपनी दुख परेशानियाँ दुखड़ा यही सब बताती रहती हो, तो ऐसा नहीं है। अगर मैं दुख और परेशानी बताने पर आऊँ ना तो आप लोग मेरी दुख परेशानियाँ समझ ही नहीं पाएंगे, और जो समझ गए तो बहुत अच्छी बात है, वरना तो इतनी ज़्यादा परेशानी है मेरी ज़िंदगी में, मेरी क्या, हर एक किसी की कहानी सुनो ना तो सबकी कहानी में थोड़ी थोड़ी परेशानियाँ रहती ही हैं। तो मतलब हर किसी के में थोड़ी थोड़ी रहती है, हर एक जैसा नहीं होता है इंसान, किसी के पास कम किसी के पास ज़्यादा। तो मजाक बनाना बहुत आसान है, अगर मतलब लोग मजाक तो बहुत जल्दी बना देते हैं कि ये ऐसा है, जो समस्याएं जिस पर बीतती हैं वो वही समझ सकता है कि दुख परेशानियां कैसे मतलब होती हैं और कितनी ज़्यादा मतलब उन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। तो आप लोग तो इस तरीके से मेरा मजाक बना देते हो, सच में कभी कभी लगता है कि मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूं, और फिर मैं बोलती हूं तो फिर आप लोग भी मतलब उस टाइप में फिर आप लोग अपने आप को ही जज करते हो कि मैं ऐसा बोल रही हूँ, तो ऐसा नहीं है। बस ये है कि अब मेरी परेशानी मैं ही समझ सकती हूँ, मैं आप लोगों से कर क्या सकती हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा बता ही सकती हूँ, तो इससे क्या है ना मन हल्का हो जाता है कि चलो हाँ किसी से शेयर कर लिया है, बाकी तो और कुछ सुनने वाला तो है नहीं है या कोई समस्या हल कर देगा, ऐसा नहीं है। समस्या भी खुद के ऊपर आती है तो हल भी खुद को ही करना पड़ता है। तो इतनी सारी समस्याएं आ गई हैं ना, बहुत ही ज़्यादा, अभी मैं आप लोगों को पता चलेंगे मेरे ब्लॉग में और आप लोग हैरान हो जाएंगे सुन के। तो आप लोग ना मेरे वीडियोस पूरा ज़रूर देखिएगा, ऐसा नहीं है कि, और मैं हमेशा रियल ही दिखाती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ बता रही हूँ कर कुछ और रही हूँ, ऐसा नहीं है। तो जो होता है जैसा भी होता है चाहे वो कैसा भी हो, मैं आप लोगों के सामने ही रखती हूँ ये सारी बातें। तो चलिए बातें करते करते देखिए नाश्ता जो है रेडी हो गया है, मैंने आज पास्ता बनाया है कार्तिक के लिए, तो यम्मी सा पास्ता। हेलो एवरीवन, और अभी ना मैंने भी देखिए नाश्ता ले लिया है, थोड़ा सा पास्ता बनाया था सुबह तो कार्तिक ने खा लिया है, और उसी की प्लेट में मैंने भी ले लिया है थोड़ा सा, तो थोड़ा सा मैं नाश्ता करूंगी उसके बाद फिर काम करेंगे क्योंकि बज गए हैं 11 काम करते करते, और अपना भी काम जो है वो करके आ गई हूँ, तो 11 बज गया है। और खाना मैंने चढ़ा दिया है, खाना में आज बन रहा है कढ़ी चावल, तो वो पक रहा है, तब तक मैं नाश्ता कर लेती हूँ अपना। आज बहुत दिनों बाद मैंने पास्ता बनाया तो मैंने सोचा मैं भी नाश्ता कर ले रही हूँ, क्योंकि कार्तिक काफ़ी दिन से बोल रहा था पास्ता खाना है, तो मैंने कहा चलो, और जितना था मैंने सारा बना दिया था, थोड़ा ही था तो इतना हो गया हम दोनों को। तो चलिए मैं भी कर लेती हूँ नाश्ता, फिर आप लोगों से आगे बात करती हूँ अभी। सबको तो तुमने वादा कर दिए, अब क्या करें, उनका तबीयत खराब करके बैठी हो जी, कैसा तरीका है, पास ही दे करो। क्या बोलोगे तुम, बोल शर्ट आउट करने वाले थे, वेट करवा दे, किसी ने नहीं किया, करते हैं मतलब, बोलो मम्मी अभी तबीयत सही नहीं है। हाँ सॉरी बोलो उनको, अब सॉरी बोलो,
अच्छे से हाथ जोड़ के सॉरी बोलो, कहना सॉरी, अपने हाथ जोड़ के बोल के बैठ हाथ जोड़ के बोलो तबीयत सही नहीं है। ये आप लोगों ने सुन लिया कि कार्तिक अभी मतलब है ना थोड़ी सी तबीयत सही नहीं है, कम से कम उसके 8 दिन हो गए हैं लगभग, नहीं 4, हाँ 8 दिन तो हो ही गए हैं। तो अभी है ना उसका मूड भी सही नहीं है और तबीयत भी सही नहीं है और एकदम बुखार आ रही है, हड्डी में लगा है ना इस वजह से। तो वही मैंने बोला उससे अपन को आज से करना था नवरात्रि से, क्योंकि फिर मतलब हम लोगों ने वादा भी किया था। तो अब देखिए कार्तिक ही सही नहीं है ना, तो मेरी भी इच्छा नहीं हो रही है, मैं अकेले कैसे बोलूं। तो फिर एक काम करते हैं कि अब जब कार्तिक सही हो जाएगा, जब बोलेगा तब देख, अभी फिलहाल वो करते हैं क्या, वेट करते हैं। और मैं तो नहीं कर पाऊँगी क्योंकि देखिए अगर मैं बोलूँगी आधे लोगों का बोलूँगी आधे का नहीं बोलूँगी तो फिर आप लोगों को बुरा लगेगा और मेरे लिए मेरी पूरी YouTube फैमिली मेरे लिए बिल्कुल एक बराबर है एकदम, मतलब को किसी में मैं भेदभाव नहीं कर सकती, चाहे वो अच्छा हो या बुरा कोई भी हो, अदर मतलब मैं नहीं कह सकती हूँ। बस ये है कि जो भी मेरे मतलब मेरे चैनल के साथ जुड़ रहे हैं, मुझे सब्सक्राइब किया है और जो और आ रहे हैं और जो पहले से कर चुके हैं, सबका बहुत बहुत सारा वेलकम मेरे चैनल पर, बहुत सारा खुले दिल से मैं आप लोगों का वेलकम कर रही हूँ। बस ये है कि कार्तिक अभी कुछ बोलने के मूड में नहीं है, देख रहा है अभी मन है नहीं है कार्तिक का मन, इसीलिए प्लीज़ आप लोग बिल्कुल बुरा मत मानिएगा। और बिल्कुल मतलब ना अब आप लोग देख ही रहे हो ना, क्योंकि आप लोगों को मैंने दिखाया ही है कार्तिक को और आप लोग बोल भी रहे थे दवाई दो उसको, तो ये दवाई लेकर आए हैं पीकर और अभी बस लेट गया है, अभी बैठा था लेट गया है, तो इसीलिए वो कुछ मतलब अभी कंडीशन में नहीं है सही। तो अब आप लोग समझ गए होंगे, अब मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकती हूँ और आप लोग बिल्कुल भी बुरा मत मानिएगा। तो देखते हैं आगे क्या हो पाता है, आगे हम कैसा क्या विचार बनाते हैं फिर आप लोगों को बताएंगे। तो अभी फ़िलहाल हम अभी इस वीडियो का एंड कर रहे हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो कार्तिक बाय कर दो, बाय कर दो, बाय बाय कर दो, बाय बाय। हिम्मत भी नहीं है, उठ के बैठ गया बेचारा, लेट जा। अच्छा तो चलिए मैं मिलूंगी आपसे अपनी कल की वीडियो में, थैंक यू, बाय बाय।